विवादित बयान चल रहा सी, जिस दे विच मैनू इस तरह पेश किया जा रहा सी कि मैं पता नहीं किन्नियां कु कोठियां ते की लोकां पंजाब दे लोकां नाल धक्का करन जा रही हूँ। मैं अज पंजाब दी जनता नूं सन्मुख हो के यह दसना चाहनी हाँ कि मैं पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी कदे भी नहीं यह चाहती किसी भी पंजाबी नाल कोई धक्का होवे, चाहे वह देश की धरती ते होवे जां विदेश की धरती ते होवे। मैं जरूर एक गल कहना चाहनी हाँ कि मैं इस गल तो कोई शर्म नहीं महसूस करती कि मेरा पंजाब की धरती ते एक इंच भी जगह नहीं है मेरे नाम ते जां मेरे हसबेंड दे नाम ते, दोनों की साड़ी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं। सानू इहदे च कोई शर्म नहीं, कोई सानू ऐसी गल नहीं भी जिहदे तों असीं महसूस करिए साड़ी जिहड़ी जरूरत आ असीं उहनूं पूरी कर रहे हैं। जगराउं दे विच 2015 तो हुण तक मैं किराए ते ही रहिंदी आ रही हाँ, इस तों पहलां भी मैं 2 कोठियां किराए ते ही रही हाँ। जदों भी उन्होंने मालकां ने मैनूं कहा भी सानू कोठी दी रिक्वायरमेंट आ, जिहड़ा एग्रीमेंट मैं उस कोठी वाले नाल कीता सी उही एग्रीमेंट पहलां मैं 2 साल रही किसी की कोठी 'च, फिर 6 साल वह भी कहना रही बंदा जिन्हें मैनू आप गल की कहने भैन जी भी आप थोड़ी रिपेयर करानी है, तुम 6 महीने कोठी इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो तो मैं रिपेयर करा लूँगा। तो मे साढ़े ही एक जानकार जेडे पहला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, उन्होंने वकील साहब करम सिंह जी उन्होंने ऑफर की भी कोठी तो असं अपने लिए बनाई है, जे तुम चाहते हो तो इस कोठी 6 महीने ज 1 साल स्टे कर सकते हो। मैं जोड़ा एग्रीमेंट उन्होंने किया पहलिया वाले ना वही एग्रीमेंट मैं उन्होंने भी कर लिया, मैं उही एग्रीमेंट उन्होंने किया। पर इन द मेन टाइम पहला कुछ नहीं होया, जिद्दे मैं शिफ्ट की उस तो बाद एक NRI लेडी आई जिसने इस कोठी ते अपना हक जताया, एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होने के नाते ते एक मेरा MLA होने के नाते पंजाब प्रति फर्ज होने के नाते मैं प्रोफेसर सुखविंदर सिंह की वाइफ जिन्होंने नाम से एग्रीमेंट है उन्होंने कहा भी सानू टाइम दो क्योंकि तुसी सारे जानकार हो एक कोठी लभण एक कोठी शिफ्ट करन दे विच घट्टो घट 1 या 2 महीने का प्रोसैस हुंदा। बट शी सैड कि मैनू जल्दी खाली चाहिए, असी उस कोठी तो एक होर मनप्रीत कौर जी मैं कोठी शिफ्ट कर चुकी हाँ। मनप्रीत कौर पत्नी इंद्रपाल सिंह साढ़े उत्थे ही नेड़े रॉयल कॉलोनी है उहदे विच कोठी शिफ्ट कर चुकी हाँ, समान शिफ्ट हो रहा। हुण मेरा किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के नाल ना कोई लैंड देन है तो ना ही मेरा कोई ऐसा निजी मकसद है। पर एक गल दा मैनू हैरानी जरूर होंदी है इस गल दी कि मैनू जदों पहलियां कोठियां सी मेरा मालक मकान आ के कहना हुंदा सी भई बीबा जी आपां नूं कोठी चाहीदी है, असीं उहनां नूं प्रॉपर रेंट पे किया, प्रॉपर जोड़ियां जिहड़ियां सहूलतां वह सारियां असीं जिहड़ियां साडे तों डिमांड रखी उन्होंने दित्तियां ते असीं उहनां तों डिमांड रखी सानूं दित्तियां। मैं हैरान इस गल ते हाँ अपोजिशन वाले साडे इक्को ही सुखपाल सिंह खहरा जी उन्होंने पेट च दर्द होने लग जाता किस गल का दर्द होया कि साढ़े को अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम असं कि किराए पर भी ना रहिए। किराए पर लैन तो पहला आम एक आम लोग की देखते हैं भी जेनुअन परसन हो कोठी कित कुछ ना होता कम नहीं है। दूजी गल मैं जो मैं देखा भी मेरा फर्ज बनता मैं इस कोठी तो परे होव मैं परे हो चुकी हूँ, मैं चाबियां जिहड़े मालक तो लईआं सी उसनूं फड़ा चुकी हूँ, तुसीं अपना वेरीफाई कर सकते हो। मैं तुहाडे चैनल्स के माध्यम राही साडे कानून दे घाड़े साडे जिहड़े विधानसभा दे विच अक्सर कहिंदे आ पंजाब दे लोकों मैं तुहाडे हक मंगण आया, अज मैं तुहाडे सारिआं दे चैनल माध्यम राही इक्को गल पुछणा चाहुंदी हाँ कि खहरा साहब तुहाडे रामगढ़ भुल्लर वाले घर दे रामगढ़ वाले घर दे विचों सड़क जांदी सी, वह सड़क कित्थे आ तुसीं नक्शा दिखाओ। मैं तो कोठी वाले घर छड़ता कि तुसीं रामगढ़ आपके पिंड के लोगों वास्ते और सड़क जनते करोगे तुसीं छड़ाओगे जब तुहाडे ते पिंड वाले कार्रवाई करन तैयार बैठे उन्होंने मैनूं दस्सिया किसी होर ने नहीं दस्सिया भाई सड़क के उत्ते ही इन्हां ने नाल ही घर रला के सड़क विच ही कवर कर ली तो दूजे पास्यों रस्ता दिखाता। दूजी गल खहरा साहब रैंड लैंड रिव्यू एक्ट के अकॉर्डिंग 1972 जिस जगह पर पानी हो 17 किले तो वध जगह नहीं रख सकते उत्थे, चलो मैं मनिया तुहाडी पुरानी आई है तां भी 34 जगह बन गई उत्थे। हुण मैनूं इह दसो तुहाडे कोले 51 किले जगह कित्थों आई, इस गल दा जनतक करो। तुसीं कहिंदे हो एक मैं तुहाडे सारे चैनल के माध्यम राही
मैनू तुसी सवाल पूछो जिहड़ा मर्जी पूछना, पर जदों अगली बारी खहरा साहब तुहाडे कोल बैठे मेरे तीन सवालों के जवाब जरूर लेके आयो, क्योंकि मैनू पता कि साडे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी स्पैशल सैशन बुलाने आ भी जिहड़ा केंद्र ने साडा फंड रोकिया सी, आपां बधा आओ बैठ के अपोजिशन वाले हो आओ बैठे सरकार वाले हो आपां विचार चर्चा करिए किस गल ते भी आपां अपने केंद्र तों हक किदां लईए। पर मैनू पता कि इन्हां ने इदां ने मुद्दे क्रिएट करके पिछली बार भी फराकां दीआं पा के आके उत्थे गिद्दा पाउण लग गए सी, ते इन्हां ने ऐसे सैशन क्रिएट करके साडे सरदार भगवंत सिंह मान जी का ध्यान भटकाउणा चाहुंदे। उह नहीं डरदा किसे तों, ना उहने डरना, क्योंकि डरदा उह हुंदा जिहदी अखां च कोई कमी होवे। मैं एक गल तुहाडे तों होर पुछना चाहुंदी हां सुखपाल सिंह खहरा जी, तुसीं एक बंदे नूं अपना बार बार कह रहे हो भी मेरा दोस्त मेरा मित्र मेरा भरा, पंजाब दे विच कोई धोखा हो गया दोस्त नाल लुट्टिया गया पुट्टिया गया। मैं तुहानूं पुछना चाहुंदी हां सिटी थाने जगराऊं दे विच 62/10 अंडर सैक्शन तुहाडे दोस्त 21-61-85 NDPS दा पर्चा, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਚਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਬੇਬਾਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਇਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 5 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਗਰਾਊਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਰਗੀ ਕੋਠੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਅਣਖ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਚੱਕ ਭਾਈ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਚੱਕ ਚਾਬੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, TRP ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਦੇਂਗੀ। ਸਰਬਜੀਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਵਢਾ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਪਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਲੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਲਕ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਨ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਆ ਪਵੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ
तो मैं कोर्ट च खिचू। मैं थानू ये चेतावनी दिनी है, थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़े अगे बेनती करती हूँ जड़िया गल् और सारे सबूत मेरे को लेके जायो। किसी भी गल का कुछ भी झूठ होया तो मैं इस तरह कट करके आपकी कचहरी में फिर पेश करिए। करम सिंह जी तो लिया, वैसे भी अकॉर्डिंग टू लॉ जी तो चाबी लो ओनू चाबी वापस करनी होंगी, क्योंकि नहीं तो मैंने दोनों तेरा चुक जाना कोर्ट च पक्का खिंचेगा। मैं जी तो चाबी ले सी ओनू चाबी वापस कर। नहीं अजे कोई नहीं आई, पर मैं ये जरूर कहनी है। अच्छा एक गल होर कहनी है, इस NRI औरत नू पंजाब दे विच आई 10-15 दिन हो चुके, पर उन्हें कदे भी कोशिश नहीं की कि सरबजीत कौर माणुके नू जाके मिला। जे मैं अज कोठी छड़ सकदी हाँ, वह पहले दिन मेरे को आ जाती तो मैं पहले दिन ही उन्हें कोठी की चाबी फड़ा दिंदी, क्योंकि मैं अज भी तुहाडे चैनल के माध्यम राही कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। बई मैं इको गल कहनी है, बई साडे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने ते अरविंद केजरीवाल जी इको गल कहते हैं भी आप लोगों ने भले लिए लड़ना, असी की लड़ा जमीना बना के। साडे बच्चे पढ़ लिख जाने, असी कहड़ा पॉलिटिक्स लैके आने, साडे बच्चे पढ़ लिख के अपनियां जिंदगियां कमाउणगे जे उन्हां च हिम्मत होई जिथे रहना रह लैणगे। ते नाले वैसे भी इक गल दसदी हां, असी तां छोटे मोटे मकानां च रहण वाले लोग हैं, सानू कोई नहीं फर्क पैंदा, मैनू कोई शर्म नहीं आउण दी कहण नू भई मैनू जदों तक लोड़ पई मैं उदों तक किराए ते रह सकदी हां, पर मैं किसे दा हक नहीं मारना।